सीएम योगी ने रुद्राभिषेक करके लोक कल्याण की कामना, लोगों की सुनी समस्याएं, दिया हर समस्या के त्वरित और संतुष्टि परक हल का भरोसा। धन्य हो महाराज जी, आपके कृपा से पक्का मकान बन गए। सरकारी योजना में आवास पाने पर सीएम योगी का आभार जताने पहुंची बौनी महिला उषा के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने साथ में खिंचवाई फोटो। बदलता परिदृश्य और पत्रकारिता विषयक संगोष्ठी में बोले सीएम योगी, कहा दुनिया देख रही है बदलते भारत की ताकत, बदलते परिदृश्य में भारत के प्रति बदली है पूरे विश्व की धारणा। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद से भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह मीडिया से हुए रूबरू, कहा उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, स्नातकों, युवाओं और नौजवानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए संघर्ष का कीर्तिमान स्थापित करने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह के नाम के आगे एक लिखकर प्रथम प्राथमिकता के भारी मतों से बनाए विजयी। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले खिचड़ी मेले के दूसरे दिन भी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में लगी रही भीड़। गुरु गोरखनाथ से परिवार के सुख समृद्धि की मांगी मन्नत। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव के संबंध में महानगर एवं स्नातक निर्वाचन संचालन समिति व संयोजकों एवं सह संयोजकों की बैठक भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव की भांति स्नातक चुनाव भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर परिसर में 50 इंस्पेक्टर, 500 उप निरीक्षक, 1000 कांस्टेबल, पीएसी सहित एटीएस की लगाई गई है ड्यूटी। सीसीटीवी कैमरे से पूरे मंदिर परिसर की जा रही है निगरानी। और मकर संक्रांति के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में मेला घूमने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने ब्रेक डांस, झूला, मौत का कुआं, बड़ा झूला सहित विभिन्न प्रकार के झूलों का मंदिर में जमकर उठाया लुफ्त। कहा गोरखनाथ मंदिर का मेला है प्रदेश का सबसे भव्य मेला।